हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्रिस्टल माइक्रोफोन के बारे में। ठीक है, क्रिस्टल माइक्रोफोन के बारे में आपको पूरी जानकारी, पूरी नॉलेज इस वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्रिस्टल माइक्रोफोन का। एक आपके स्क्रीन पर आ रहा है इमेज, उसको देख लीजिए, यही होता है क्रिस्टल माइक्रोफोन। ठीक है, विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल माइक्रोफोन होते हैं, जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है यही सब है। इसके यांत्रिक संरचना के बारे में हम थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि किन किन टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं इसमें। सबसे पहला टॉपिक रहेगा हम लोगों का बेसिक ऑफ क्रिस्टल माइक्रोफोन, बेसिक नॉलेज क्रिस्टल माइक्रोफोन के बारे में। दूसरा टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल माइक्रोफोन, इसकी यांत्रिक संरचना क्रिस्टल माइक्रोफोन की। तीसरा टॉपिक रहेगा एलिमेंट ऑफ क्रिस्टल माइक्रोफोन, क्रिस्टल माइक्रोफोन में किन किन एलिमेंट का यूज होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। चौथा टॉपिक रहेगा वर्किंग ऑफ क्रिस्टल माइक्रोफोन, क्रिस्टल माइक्रोफोन कैसे वर्क करता है। पांचवा टॉपिक रहेगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल माइक्रोफोन। छठवां टॉपिक रहेगा फीचर्स ऑफ क्रिस्टल माइक्रोफोन, क्या क्या इसके एडवांटेज होते हैं। और सातवां टॉपिक रहेगा एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल माइक्रोफोन, कहाँ इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इन सातों टॉपिक को हम लोग बारी बारी से कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक जानते हैं बेसिक ऑफ क्रिस्टल माइक्रोफोन। बेसिक ऑफ क्रिस्टल माइक्रोफोन, फर्स्ट पॉइंट, बेस्ड ऑन पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो क्रिस्टल माइक्रोफोन होता है वो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड होता है। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं उस पर जब कोई मैकेनिकल प्रेशर या मैकेनिकल फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसमें एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, इसको कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द अपोजिट फेसेस ऑफ सम क्रिस्टल्स इज प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज आर सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल प्रेशर। वही था जो मैंने बताया कि जब किसी क्रिस्टल पर कोई पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल या क्रिस्टल है उस पर कोई मैकेनिकल प्रेशर या मैकेनिकल फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। कौन कौन से क्रिस्टल हो सकते हैं? क्वार्ट्ज हो सकता है, टूरमैलिन हो सकता है, रोचले सॉल्ट हो सकता है और सिरेमिक हो सकता है। इन सब का यूज करके क्रिस्टल माइक्रोफोन का को बनाया जाता है। ठीक है, तो रोचले सॉल्ट क्या होता है? रोचले सॉल्ट हाई पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, बट इट सस्टेबल टू मॉइस्चर, कैन नॉट विथस्टैंड विथ हाई टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस। जो रोचले सॉल्ट होता है वो उसमें हाई पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन क्या करता है, जो हाई टेम्परेचर होता है 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर पर अच्छे से वर्क नहीं करता है। ठीक है, और जो क्वार्ट्ज और टूरमैलिन होता है, क्वार्ट्ज एंड टूरमैलिन लो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। जो क्रिस्टल होता है क्वार्ट्ज और टूरमैलिन उसमें क्या होता है, लो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। और सिरेमिक जो क्रिस्टल होता है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, मोस्ट, ठीक है, सिरेमिक सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, मोस्ट सुटेबल फॉर क्रिस्टल माइक्रोफोन्स एज इट इज नॉट सस्टेबल टू मॉइस्चर एंड कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो सिरेमिक जो होता है क्रिस्टल उसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है क्रिस्टल माइक्रोफोन में, क्योंकि यह हाई टेम्परेचर भी अच्छे से वर्क कर सकता है, लेस देन लगभग अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी वर्क कर सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्रिस्टल माइक्रोफोन का। ये होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, आप देख सकते हैं एक डायफ्राम है, यहाँ पे एक दो सपोर्ट है, यहाँ पे स्प्रिंग से इसको कनेक्ट किया गया है। ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है पुश रोड। ठीक है, पुश रॉड कहा जाता है इसको, ये वाला। और ये होता है हम लोग का क्रिस्टल, जो सिरेमिक भी हो सकता है, क्वार्ट्ज भी हो सकता है, टूरमैलिन भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज किया जाता है सिरेमिक का। तो मान लेते हैं जो क्रिस्टल है सिरेमिक का है और यहाँ पे इलेक्ट्रोड है दो, जहां से हम लोग का इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी मिलेगा।
ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहां से मिलेगा। ये जो क्रिस्टल को सपोर्टिंग दिया गया है, इंसुलेटिंग सपोर्ट यहां से दिया गया है। तो इसका वर्किंग क्या होता है, कैसे वर्क करता है क्रिस्टल माइक्रोफोन? जब हम लोग कुछ बोलते हैं तो जो आवाज होता है, जो साउंड होता है, वो पड़ता है कहाँ पे? डायफाग्राम पे। डायफाग्राम पे जब पड़ता है तो वहां पे वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करेगा तो जो पुश रॉड है वो प्रेशर देगा किस पे? क्रिस्टल पर। ठीक है, पुश रॉड जो है क्रिस्टल पर प्रेशर देता है, मैकेनिकल प्रेशर देता है। जब क्रिस्टल पर मैकेनिकल प्रेशर देगा तो हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मिलेगा, जो आउटपुट रहेगा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में रहेगा। यही होता है इसका वर्किंग। सबसे पहले जब जो हम लोग साउंड मतलब जो बोलते हैं वो पड़ता है कहाँ पे? डायफाग्राम पे। डायफाग्राम पे क्या होता है कि वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करने से यहाँ पे जो पुश रॉड है वो मैकेनिकल प्रेशर देता है यहाँ पे क्रिस्टल पर। जब क्रिस्टल पर कोई मैकेनिकल प्रेशर पड़ता है या फोर्स पड़ता है तो यहाँ पे हम लोग को मिलता है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। ये होता है इसका वर्किंग। ठीक है, यह होता है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखने वाले हैं इसमें एलिमेंट कौन कौन से यूज होते हैं। क्रिस्टल इज कट अलोंग सर्टेन प्लेट्स टू फ्रॉम ए स्लाइस मेटालिक इलेक्ट्रोड्स और अटैच्ड टू सरफेस टू कैरी द पोटेंशियल डिफरेंस टू द आउटपुट टर्मिनल। कहने का मतलब है जो दो इलेक्ट्रोड है इसी के बारे में कह रहा है। यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है यहाँ पे हम लोग का जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलेगा यहाँ से मिलता है। यही दोनों है मेटेलिक प्लेट्स। डायफाग्राम क्या होता है? मेड ऑफ एल्यूमिनियम इज अटैच टू द क्रिस्टल सरफेस थ्रू ए पुश रॉड। पुश रॉड है, पुश रॉड। ठीक है, डायफाग्राम जो होता है एल्यूमिनियम का बना होता है जो क्रिस्टल क्रिस्टल के क्रिस्टल से अटैच होता है और पुश रॉड से भी अटैच होता है। मतलब पुश रॉड के सरफेस पर क्रिस्टल पर अटैच होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये है आपका डायफाग्राम। डायफाग्राम से अटैच है क्या? पुश रॉड। ठीक है, डायफाग्राम से अटैच है पुश रॉड और पुश रॉड से अटैच है क्या? क्रिस्टल। द होल यूनिट इज एनक्लोज्ड इन ए प्रोटेक्टिव केस। ठीक है, होल यूनिट इज इनक्लोज्ड इन ए प्रोटेक्टिव केस। अब हम लोग देखने वाले हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक, क्रिस्टल माइक्रोफोन का क्या क्या लक्षण होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, आउटपुट इम्पीडेंस अबाउट 1 मेगा ओम। इसका जो आउटपुट इम्पीडेंस होता है वो हाई होता है, लगभग 1 मेगा ओम। ठीक है, आउटपुट इम्पीडेंस हाई होगा। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस 100 हर्ट्ज टू 8 किलो हर्ट्ज फॉर प्लस माइनस 1 dB। 1 dB के लिए, प्लस माइनस 1 dB के लिए जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होगा वो 100 हर्ट्ज टू 8 किलो हर्ट्ज हो सकता है। इसकी सेंसिटिविटी कितनी होती है? तो 50 mV फॉर SPL ऑफ 0.1 पास्कल। ठीक है, इसकी सेंसिटिविटी कितना होगा? 50 mV। SNR मतलब होता है सिग्नल टू नॉइज रेशियो। सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो होता है वो हाई होता है क्रिस्टल माइक्रोफोन का। SNR सिग्नल टू नॉइज रेशियो हाई होता है, अबाउट 40 dB, 40 dB के आसपास होता है। इसमें डिस्टॉर्शन लेस होता है, less than 1%। ठीक है, डिस्टॉर्शन less than 1% होता है। इसके कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ एडवांटेज होते हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पहला एडवांटेज या फीचर्स, नो नीड ऑफ बायस सप्लाई। मतलब कहने का मतलब है इसके लिए किसी बाहरी सप्लाई की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, बाहर से सप्लाई नहीं दिया जाता है इसमें। हाई इम्पीडेंस, जो इसका आउटपुट इम्पीडेंस होता है वो हाई होता है। कैन बी स्पोकन एट क्लोज रेंज। ठीक है, क्लोज रेंज से ही स्पोक मतलब बोला जा सकता है। लो कॉस्ट, जो क्रिस्टल माइक्रोफोन होते हैं वो ज्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं, लो कॉस्ट होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ यूज होता है।
इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? तो पहला होम रिकॉर्डिंग सिस्टम, जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो भी मैं माइक्रोफोन का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तब भी मैं माइक्रोफोन का ही यूज कर रहा हूँ। और होम रिकॉर्डिंग सिस्टम में इसका यूज होता है, मोबाइल कम्युनिकेशन में भी इसका यूज होता है, इन सब में बहुत ज्यादा माइक्रो जो क्रिस्टल माइक्रोफोन है इसका यूज होता है। एमिटर में, एमिटर कम्युनिकेशन में भी इसका यूज होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा यूज होता है क्रिस्टल माइक्रोफोन का, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।